कॉपी बोर्ड तथा सीबीएसई की कक्षा 12वीं तथा कक्षा 10वीं के स्कूल टॉपर्स से मिलवाने के हमारे अनूठे प्रयास समय चक स्कूल टॉपर अवार्ड के इस 12वें एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल टॉपर्स का यह कार्यक्रम एक सामूहिक प्रयास है जो आप सभी के सामने है, और हम हमारे इस सामूहिक प्रयास में बिना किसी भेदभाव के देवास के अधिकांश स्कूल टॉपर से आपको मिलवा चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि स्कूल टॉपर से मिलवाने का हमारा यह प्रयास किसी भी संस्था विशेष के हित के लिए कभी नहीं रहा है, क्योंकि हमारा प्रयास मुख्य उद्देश्य देवास के स्कूल टॉपर से आपको मिलवाना रहा है, और देवास के इन स्कूल टॉपर्स के घर जाकर उनकी सफलता को आप सभी के सामने लाने का एकमात्र सामाजिक प्रयास। तथा यही कारण भी है कि समय चक्र स्कूल टॉपर्स का यह कार्यक्रम देवास में वर्ष का सर्वाधिक देखे जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम है। इस वर्ष से आप स्कूल टॉपर्स के इस कार्यक्रम को एसआर केबल के साथ ही mycitysearch.com पर भी कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि देवास के इन स्कूल टॉपर्स की यह स्मृति चिरस्थायी रहे। तो आइए अब हम आपको बता दें कि आज हम किन स्कूल टॉपर्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं। आज के स्कूल टॉपर्स में हैं किंडर स्कूल के कॉमर्स सब्जेक्ट के स्कूल टॉपर जानवी रोहरा, सरस्वती विद्या मंदिर विजयनगर के कक्षा 10वीं की स्कूल टॉपर प्रतिभा सैन, सेंट थॉम्स स्कूल एकेडमी के कक्षा 12वीं के मैथ्स टॉपर, पद्मजा स्कूल से 10वीं के स्कूल टॉपर अक्षत जैन, विवेकानंद पब्लिक स्कूल से सुनीता सैन। आइए सबसे पहले चलते हैं किंडर स्कूल के कॉमर्स सब्जेक्ट की स्कूल टॉपर जानवी रोहरा से मिलने। सीजी ट्यूटोरियल प्रेजेंट स्कूल टॉपर्स अवार्ड में अब हम आ चुके हैं सिंधी कॉलोनी, जहां हम मिलेंगे किंडर स्कूल के 12th कॉमर्स टॉपर जानवी रोहरा से। तो आइए आपको जानवी और उसकी फैमिली से मिलवाते हैं। हेलो जानवी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। जानवी, हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मैं सेल्फ जानवी रोहरा, मैं किंडर हायर सेकेंडरी की स्टूडेंट हूँ। मैंने 12th कॉमर्स सेक्शन था मेरा, और जिसमें मेरे 83% बने। जी, आपकी फैमिली में कौन कौन है जानवी? मेरे फैमिली में मेरे फादर हैं, ये मेरी मदर है, ये मेरा ब्रदर है, मेरी बुआ, मेरी आंटी, मेरी बड़ी मम्मा और मेरी दादी जी। जी जानवी, आपके स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा था? किंडर स्कूल से आपको कैसे सपोर्ट मिला? टीचर्स कैसे सपोर्ट करते थे आपको? क्या टेक्निक्स बताते थे? किंडर हायर सेकेंडरी का एटमॉस्फेयर तो बहुत अच्छा था, वहाँ पे हर जगह पॉजिटिवनेस थी, प्लस टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया मुझे कैसे पढ़ना है, पूरा गाइडेंस दिया, प्लस मुझे जब भी उनकी ज़रूरत थी सब लोग मेरे साथ सपोर्टिव थे, और जब भी मुझे उनकी नीड थी वो लोग मेरे साथ खड़े थे साथ में, और उन्होंने हर बार मुझे हर गाइडलाइंस दी कि मुझे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, हर चीज़ में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। कभी मतलब मुझे नेगेटिवनेस नहीं दिखी, मुझे वहाँ पर स्कूल में हर जगह पॉजिटिवनेस ही थी। अच्छा, आप ट्यूशन जाते थे या फिर आपने सेल्फ स्टडी की? सेल्फ ही किया वैसे मैंने, सेल्फ स्टडी किए। तो फिर जी सेल्फ स्टडी किए, तो आपका शेड्यूल क्या था, टाइमिंग आप कैसे मैनेज करते थे? टाइमिंग तो मैनेज हो जाता था, जैसे स्कूल से आके थोड़ा रेस्ट कर लेती थी, फिर शाम को 5 o'clock से लेके 7 o'clock स्टडी करती थी, फिर थोड़ा बहुत बैठ के वॉक वगैरह करके फिर वापस स्टडीज करने बैठ जाती थी, जैसे मतलब जितना मन होता था सबसे पढ़ती थी अपना। आंटी आप बताइए, आपने कैसे सपोर्ट किया जानवी को पढ़ाई के मैटर में? बस मेरा कहता है जैसे आज हम लाइफ में कुछ नहीं बने तो हमको लगता है कि हमारे बच्चे कुछ आगे बढ़े। जी, अच्छा आंटी, आपका कोई सा ऐसा सपना जो आपने अपने लिए देखा और अब आप चाहती है कि जानवी उसे पूरा करे, तो हमसे शेयर कीजिए। मेरे तो बहुत सारे सपने बट ये लगता है कि आगे मतलब इतना हो जाए, अपने पैरों पे खड़े रहे, कहीं पे भी मुसीबत आए कि मतलब अपने आप एक वो रहता है ना, बच्चों को सक्षम होना चाहिए बच्चों को। अंकल आप क्या करते हैं? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आइसक्रीम। अंकल आप बिजनेसमैन हैं तो आप अधिकतर बाहर रहते होंगे, तब आप कैसे सपोर्ट करते थे जानवी को? गुड़िया मेरे सामने लगभग 10 से 12 घंटे रहती है। जी, जी। तो मेरा यही रहता है कि गुड़िया को प्रेशर नहीं देके जितनी इच्छा हो जैसा हो उसको आगे बढ़ना हो, जो उसको करना हो उसके हिसाब से पूरी छूट देते हम लोग उसको। अच्छा, आप और क्या क्या उम्मीदें रखते हैं, आप क्या चाहते हैं क्या बने? गुड़िया के जो उसको करना है उसका डिसीजन है, तो उसको क्या करना है, प्रेशर किसी प्रकार का नहीं है। सेल्फ हम कोशिश ये करते हैं कि सेल्फ डिपेंड हो जाए बच्चे अपने, और जिंदगी की हर परिस्थिति से लड़ने के लायक हो जाए, बस और कुछ नहीं। इससे जानवी, माता पिता का सपोर्ट आपके साथ है, आप क्या बनना चाहती हैं? मैं अभी फिलहाल तो CS कर रही हूँ, उसके आगे फिर जो भी होगा देखेंगे। बाकी मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है, उन्होंने हर बात में मुझे सपोर्ट किया है कि नहीं
तुझे जो करना है तू कर, कभी किसी बात के लिए प्रेशर नहीं डाला है। जो भी उन लोग कहीं पर भी कुछ भी मुसीबत आती है, मम्मी पापा हमेशा मेरे साथ रहेंगे, कभी कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं आई है मुझे। और प्लस मेरे स्कूल स्टाफ का भी बहुत हाथ है इसमें, मतलब उन्होंने मुझे बहुत गाइडलाइंस भी दी, मैं थैंकफुल हूँ उनके लिए भी, मेरे टीचर्स के लिए कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। बुआ जी, आपने तब सुना था कि फर्स्ट आई है जाह्नवी, स्कूल में टॉप किया है, तब आपका रिएक्शन क्या था? हमारा रिएक्शन तो इतना मतलब वाव वाला था कि हाँ, बच्चा आगे पढ़ता है तो खुशी ही होती है ना। बहुत प्राउड है हम लोगों को इसके ऊपर, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बयान नहीं कर सकते इस बात का तो कि खुशी, ये तो एक फील करने का है, तो बहुत ही अच्छा। आप यही दुआएं हैं कि बच्चा और आगे बढ़े। आपका क्या कहना है जाह्नवी के लिए? हमारी तो विशेष है कि आगे बढ़े और भी अच्छी टॉप करे। आपका जाह्नवी के बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छा लगा उसकी परसेंट देख के, बहुत बहुत खुशी हुई उनको कि लगा कि आगे कुछ कर सकती है। वैसे परसेंटेज के हिसाब से अपन को सोचना पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दादी जी नमस्ते, अपनी पोती के लिए आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बढ़िया लगा बेटा। हमारी दुआएं इसके साथ रहेगा, बढ़ती। हाँ, बहुत अच्छा लगा। जाह्नवी, आपने तो टॉप कर लिया, अब दूसरे बच्चे भी टॉप कर सके आपके जैसे, उनके लिए कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें तो? पढ़ाई तो अपने जिससे सबसे जिस टाइम आपका मन लगे, यहाँ आपको जिस टाइम लगे कि इस टाइम मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ कवर, उस टाइम आपको बैठ के स्टडी करनी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग ये कि अपने अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आओ उस चीज़ की कि हाँ, हम कर सकते हैं, हमसे क्यों नहीं होगा, हम कर सकते हैं बिल्कुल। अपने मन में सिर्फ पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि हमें करना है और हम करके दिखाएंगे। एंड सेकेंड चीज़ ये कि आपका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ स्टडीज़ पर होना चाहिए, उस टाइम आप पूरे डेडिकेशन के साथ पूरी चाहत से उसमें लग जाओ कि बिल्कुल आपको आसपास कुछ भी नहीं देखना है कि कौन है क्या है, नहीं देखना है, सिर्फ आपको अपनी स्टडीज पे फोकस करना है और अच्छे से, सिर्फ आपको उसमें अगर डेडिकेशन हो तो बहुत अच्छे से पढ़ो और कोई प्रॉब्लम नहीं जागी आएगी। आपको दीदी पढ़ाते हैं कि नहीं घर पे? हाँ। आप भी दीदी के जैसा टॉप करोगे? हाँ। थैंक यू जाह्नवी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। अभी हम मिले जाह्नवी और उसके दिलचस्प परिवार से, कुछ ऐसे ही परिवारों से और उनके टॉपर से हम आपको मिलवाते रहेंगे स्कूल टॉपर्स अवार्ड के माध्यम से, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये थी किंडर स्कूल की कॉमर्स सब्जेक्ट की टॉपर जाह्नवी रोहरा। हमारे अगले स्कूल टॉपर से आपको मिलवाने के पूर्व आपको बता दें कि इन सभी स्कूल टॉपर्स को हम 26 जून रविवार को देवास के मल्हार स्मृति मंदिर परिसर में सम्मानित भी करने जा रहे हैं, तो आप दोपहर 12 बजे मल्हार स्मृति मंदिर में जाना ना भूलें। और अब बारी है सरस्वती विद्या मंदिर विजयनगर से 10वीं कक्षा के स्कूल टॉपर प्रतिभा सेन और सेंथाम एकेडमी के कक्षा 12वीं के मैथ्स सब्जेक्ट के स्कूल टॉपर्स प्रखर पोरवाल से आपको मिलवाने की, तो इस छोटे से ब्रेक के बाद। जब CBSE विद्यालयों के टॉपर्स की लिस्ट बनती है तो टॉपर्स में नाम आता है CG ट्यूटोरियल्स के विद्यार्थियों का, सर्वोच्च अंकों के साथ इस वर्ष भी आगे। CG ट्यूटोरियल्स, CBSE विद्यार्थियों का जंक्शन पॉइंट CG ट्यूटोरियल्स। वी डोंट टीच डिफरेंट, वी टीच डिफरेंटली। प्रतिदिन लेक्चर के साथ साथ प्रैक्टिस के पीरियड। CG ट्यूटोरियल्स में विद्यार्थियों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए एप्लीकेशन पार्ट पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा पद्धति अपनाते हुए विजुअल क्लासेस के साथ साथ मेंटल एबिलिटी क्लासेस का संचालन, विद्यार्थियों की बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सेमिनार्स का आयोजन, एजुकेशनल ट्रिप्स के माध्यम से जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस बढ़ाने का प्रयास। क्लास 9, 10th में फाउंडेशन क्लासेस, ओलंपियाड, परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण। क्लास 11th 12th में रेगुलर कोर्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए विशेष कक्षाएं संचालित की जाती हैं। मैनेजमेंट का पालकों से सीधा संपर्क रहता है। प्रतिदिन पढ़ाए गए पाठ्यक्रम की जानकारी SMS द्वारा दी जाती है। नियमित पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, बेहतर भविष्य, सफल व्यक्तित्व का निर्माण स्थल। CG ट्यूटोरियल, ISO 9001:2008 सर्टिफाइड CG ट्यूटोरियल, नियर LNB क्लब, AB रोड, देवास। मोबाइल 9070469 47, फोन 0727242188। वर्मा क्लासेस, जहां टॉपर्स तराशे जाते हैं। निरंतर 30 वर्षों से MP बोर्ड 10th एंड 12th के स्टेट टॉपर्स हो या डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स या फिर हो स्कूल टॉपर्स, यह सभी होते हैं वर्मा क्लासेस के स्टूडेंट। 9th टू 12th एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों के लिए MP बोर्ड के स्टूडेंट्स का एक ही डेस्टिनेशन, वर्मा क्लासेस।
47 सुतार बाखल देवास, फोन 222-571, मोबाइल 9425055001। द साइंस फ्रंटियर राठौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन, लर्निंग भीड़ में नहीं, भिड़कर कार्य करने से ही संभव है। आशिता राठौर राइस इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ। मैंने एमपी में एक पोजीशन प्राप्त की है क्लास 12th में। सेपरेट बेचेस फॉर सीबीएसई एंड एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स विद विदाउट प्रिपरेशन ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग, एंट्रेंस एग्जाम्स केवीपी वाई एनटीएसी एंड ओलंपियाड्स। Admission open for classes 9, 10, 11, 12. 12th batches is commencing from 1st June. RISE, Rathor Institute of Science Education. Beside School of Excellence, NVM number 2, Devas. Mobile 98273-33631. 81202-00106. ब्रेक के बाद स्कूल टॉपर्स अवार्ड में आपका पुनः स्वागत है। आइए सबसे पहले मिलने चलते हैं सरस्वती विद्या मंदिर के विजयनगर से कक्षा 10वीं के स्कूल टॉपर्स प्रतिभा सेन से। सीजी ट्यूटोरियल प्रेजेंट स्कूल टॉपर्स अवार्ड की टीम अब आप पहुंची है कर्मचारी कॉलोनी, जहां हम मिलेंगे सरस्वती विजयनगर की 10th टॉपर प्रतिभा सेन से। तो आइए आपको प्रतिभा से मिलवाने ले चलते हैं। हेलो प्रतिभा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। प्रतिभा, हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम प्रतिभा सेन है। मैं सरस्वती विद्या मंदिर विजयनगर स्कूल में जाती हूँ। मैंने अभी 10th क्लास पास आउट की है 91% के साथ। ओके okay. आपकी फैमिली में और कौन कौन है प्रतिभा? मेरी फैमिली में पापा है, मम्मी और छोटा भाई है, पर मैं अभी यहाँ पर नाना नानी के साथ रहती हूँ पढ़ाई के पीछे। मेरे मम्मी टीचर और पापा भी गवर्नमेंट टीचर है। तो फिर पापा मामा दोनों टीचर है बट वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो आपको दूर से कैसे टिप्स देते थे? आप फ़ोन पर उनसे टिप्स लेती थी? यस, वो बोलते थे सुबह जल्दी उठिए फिर वहाँ पे पढ़ाई कीजिए, तो सुबह क्या माइंड पूरा फ्रेश होता है तो उससे पढ़ाई करने में बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं होती। एक बार जो पढ़ते हैं वो पूरा एक बार में समझ में आ जाता है। अच्छा, आपका शेड्यूल क्या था, आप कैसे पढ़ाई करते थे अपने घर पर? मैं सुबह तो झूठ तो नहीं बोलूँगी पर मैं सुबह 6 बजे उठती थी और फिर सुबह सुबह 2 घंटे पढ़ाई करती थी और शाम को सोते टाइम। ठीक है, तो आप कहीं कोचिंग जाती थी या सिर्फ सेल्फ स्टडीज़ की हैं आपने? नहीं, मैं कोचिंग जाती थी नोबल साइंस एकेडमी इधर कर्मचारी कॉलोनी में वहाँ पर। जी जी। कुछ टिप्स जो आप दूसरे स्टूडेंट्स को देना चाहती हो, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए? उन्हें रोजाना सुबह जल्दी उठना चाहिए जिससे क्या माइंड फ्रेश रहता है, तो जल्दी से जो भी हम कुछ रिवाइज करते हैं वो जल्दी याद हो जाता है। जी। यहाँ पर प्रतिभा के मामा जी भी हमारे साथ मौजूद है, कैसे ध्यान दे पाते थे प्रतिभा पर? प्रतिभा खुद ही इंटेलिजेंट लड़की है सेल्फ डिपेंड है वो जी। पढ़ने में भी और कोचिंग जाती है और बाकी पापा मम्मी इनका ध्यान रखते हैं। जी। नमस्ते मामी जी, आपने कैसे सपोर्ट किया प्रतिभा को? यही कि बेटा अच्छा पढ़ा करो, और वैसे शुरू से ही बहुत अच्छा पढ़ती है, बचपन से ही हमारे साथ है, छोटी सी थी जब से हमारे साथ रह रही है। और इनकी जो नानी जी हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान देती है पढ़ाई पे भी, और मतलब उन्हीं के सुपुर्द है सारा जी। और मम्मी जी आप कैसे सपोर्ट करते हैं? बस जो उनको नहीं आता था वो जब पूछ लेते जब साथ दे देते जी, क्योंकि अधिकतर मेंबर बाहर चले जाते थे, तो शायद आप ही घर पर रहती होंगी? साथ रहती हूँ, जब उनको जो प्रॉब्लम रहती है मुझसे पूछ लेते तो उनको बता देती थी कि ऐसा कर लो, ये समझ लो, वैसा कर लो, और बाकी तो उन है ही समझता है। हाँ। नमस्ते नानी जी, आपने जब ये खबर सुनी कि प्रतिभा ने टॉप किया अपने स्कूल में, तब आपका रिएक्शन क्या था, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मेरे को जी। आप और क्या उम्मीदें रखती है प्रतिभा से? और अच्छा पढ़े, और अच्छा पढ़े। नाना जी आप क्या और सपने देखते हैं प्रतिभा के लिए? उसी योग्यता को अपने पूरी छूट है इसका। प्रतिभा, फैमिली का तो पूरा सपोर्ट है, आपका गोल क्या है, आप आगे क्या करना चाहती हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ बड़े होकर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना? ओके yes. okay. अच्छा, तो आप यही सब्जेक्ट मैथ्स सिलेक्ट करना चाहती 11th में? हाँ, मैथ्स मेरा वैसे भी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। कितने मार्क्स आए आपको अभी मैथ्स में? मैथ्स में मेरे को 100 out of 99 मार्क्स आए। ओके, इट्स वेरी बेस्ट मार्क्स यू नो। स्कूल का एटमोसफेयर कैसा था? स्कूल में सारे टीचर्स सब बच्चों पर ध्यान देते हैं, और हमें भी टीचर्स के साथ उनको सहयोग करना चाहिए कि जैसे जब टीचर्स पढ़ा रहे हो तब मस्ती नहीं करना चाहिए।
और सब फुल सपोर्ट था स्कूल से। स्ट्रेटजीज क्या बताई थी स्कूल में, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कुछ टेक्निक्स बताई हो आपको, स्पेशल टिप्स? स्कूल में बताया था कि हमें सुबह तो जल्दी उठना चाहिए, साथ ही बड़ों के बातों पे ध्यान देना चाहिए। अगर हमें जब ऐसा नहीं कि कॉपी खोल के बैठ जाए, पर जब भी पढ़ना ही जरूरी नहीं होता, मोरल स्टडीज भी जरूरी होती है। और हम तो बाहर खेलते भी थे जिससे माइंड भी फ्रेश हो जाता है। अभी हम मिले प्रतिभा से, कुछ ऐसे ही प्रतिभावान टॉपर से हम आपको लगातार मिलवाते रहेंगे स्कूल टॉपर्स अवार्ड के माध्यम से। आप बने रहिए हमारे साथ। ये थी 10वीं कक्षा की अपने स्कूल की टॉपर प्रतिभा सैन। आइए अब सीधे चलते हैं सेंट थॉम एकेडमी से कक्षा 12वीं के मैथ सब्जेक्ट के स्कूल टॉपर प्रखर पोरवाल के घर। सीजी ट्यूटोरियल प्रेजेंट स्कूल टॉपर्स अवार्ड की यात्रा में अब हम आ चुके हैं मुखर्जी नगर, जहां हम मिलेंगे सेंट थॉमस स्कूल के 12th मैथ टॉपर प्रखर पोरवाल से। तो आइए प्रखर से उनकी सफलता के कुछ टिप्स जानते हैं, आइए। हेलो प्रखर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। प्रखर, हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम प्रखर पोरवाल है, मैं सेंट थॉम एकेडमी से हूँ। मेरा 12th PCM में 92.8% बना। आपकी फैमिली में कौन कौन है प्रखर? मेरी फैमिली में पापा, मम्मी और दीदी है। दादी भी है। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी इंदौर विकास प्राधिकरण में अकाउंट्स ऑफिसर है। प्रखर, ये बताइए कि आपने अपना शेड्यूल कैसा बना रखा था पढ़ाई को लेकर, आपका क्या टाइम टेबल आपने मेंटेन किया था? सुबह उठ के पहले स्कूल जाते थे, स्कूल से आने के बाद फिर कोचिंग से आने के बाद दो तीन घंटे घर पे पढ़ाई। अच्छा, आपके स्कूल का सपोर्ट कैसा रहा आपके साथ, आप लोगों को क्या सपोर्ट दिया जाता था, क्या टेक्निक्स बताई जाती थी पढ़ाई के रिगार्ड्स? स्कूल से हमें बहुत सपोर्ट मिला, स्कूल ने हमें बहुत कुछ दिया है, स्कूल के टीचर्स हमेशा मोटिवेट करते थे, स्कूल के टीचर्स ने बहुत हेल्प किया है। आंटी, आप बताइए आपने प्रखर को कैसे सपोर्ट किया? हमने प्रखर को यही शुरू से इसने इसके ऊपर बल पे ये करा जी। हमने कुछ इसको बस कहते थे होमवर्क कर लो, पढ़ाई कर लो, ये बोलता था हमको कुछ मत बोलो, बस मैं मेरे कर लूँगा सारा काम जी। अच्छा अंकल, अधिकतर टाइम पे बाहर रहते हैं तो अपना समय नहीं दे पाते होंगे, तब आपने अंकल की भी भूमिका कैसे निभाई? पापा बन के भी उसको सहारा दिया ना। आप और क्या एक्सपेक्ट करती हैं प्रखर से? बस ये अच्छा, अभी इसको कॉलेज अच्छा मिले, IIT में सिलेक्शन होता है तो कॉलेज अच्छा मिल जाए, और ये IPS बनना चाहता है। अच्छा प्रखर, आप बताइए आपका गोल क्या है? मेरा गोल IAS ऑफिसर कलेक्टर बनना है। आदि, आपने कैसे सपोर्ट किया प्रखर को? मैंने ही प्रखर को ऐसा सपोर्ट किया, जब भी मुझसे कुछ डाउट पूछता था मैं उसे पूरा क्लियर कर देती थी, और मैंने भी इंजीनियरिंग करी हुई थी, जो भी डाउट्स होता था उसको पूरा क्लियर करके उसको पूरा मैंने उसको साथ दिया पूरा। आप और क्या क्या उम्मीदें रखती है अपने भाई से? मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि मेरा भाई जो भी इसका एम है IAS ऑफिसर का, वो IAS ऑफिसर ये बन जाए पूरा, और इसका जो मेन एम ये है कि देश की सेवा करना, तो ये देश की सेवा करें, ये मेरा मेन एम है। और जहाँ पर भी इसको ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका हमेशा साथ निभाऊंगी और जहाँ सपोर्ट करूँगी पूरा पूरा। प्रखर, आपकी बहन का आपके साथ पूरा सपोर्ट है, अब कुछ ऐसे टिप्स बताइए ताकि दूसरे बच्चे भी टॉप कर सके। जब भी मन करे जब पढ़ना चाहिए, पूरा दिन किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब भी मन करे सिर्फ तब पढ़ना चाहिए जी। और हमेशा बेसिक से स्टार्ट कीजिए, शुरू से हाई लेवल पे नहीं जाना चाहिए, मतलब बेसिक क्लियर होना चाहिए आपके फंडामेंटल्स। हाँ जी, बेसिक क्लियर होना चाहिए। प्रखर, मुझे यहाँ का वातावरण देख के ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप किस फॉर्म से जुड़े हुए हैं? हम गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं जी। और इसके पापा गायत्री परिवार के ट्रस्टी भी है, मुख्य ट्रस्टी है। आपको स्पिरिचुअलिटी से क्या पॉजिटिवनेस मिलती है जो आपकी पढ़ाई में आपको हेल्प की जिसने? कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनता है, मेडिटेशन करते हैं उससे कंसंट्रेशन पावर मिलती है। रोज मेडिटेशन? हाँ जी, रोज 15 मिनट मेडिटेशन। गुरुदेव माता जी करते हैं? हाँ, मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ तो रोज 3 माला गायत्री मंत्र की करता हूँ, उससे बहुत पावर मिलती है। हाँ, उससे शक्ति मिलती है। थैंक यू प्रखर, ऑल द वेरी बेस्ट। अभी हमने आपको मिलवाया प्रखर से, जो सेंट थॉम स्कूल के 12th के टॉपर है। कुछ ऐसे ही होनहार और जानदार टॉपर से हम आपको लगातार मिलवाते रहेंगे स्कूल टॉपर्स अवार्ड के माध्यम से। आप बने रहिए हमारे साथ।
आपने इन स्कूल टॉपर से सुना कि इन्होंने कितनी मेहनत की है अपने स्कूल में टॉप करने के लिए। जी हाँ, हमारे इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य यह भी है कि सभी स्टूडेंट्स यह जान सकें कि स्कूल टॉपर्स बनने के लिए किस प्रकार का शेड्यूल होता है, ताकि अन्य स्टूडेंट्स जो इस वर्ष कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं में हैं, वह भी स्कूल टॉपर्स की भांति ही अपनी दिनचर्या निर्धारित करें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। हम आपको यह भी स्पष्ट कर दें कि अच्छे अंक प्राप्त करना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छे तथा सुचारू रूप से अपने विषय का अध्ययन तथा मनन करना ही मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, तभी विद्यार्थी अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको दो और स्कूल टॉपर से मिलवाने जा रहे हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, हम शीघ्र ही लौट रहे हैं। मेरा नाम अक्षत जैन है, मैं पद्मजा स्कूल में पढ़ता हूँ। मैंने 93.33% गेन किए हैं और मैं अपने स्कूल का टॉपर हूँ। मेरे परिवार में मम्मी हैं, डैडी है और मैं हूँ केवल। क्या करते हैं आपके पापा? पापा सर्विस मैन है गजरा गेट्स में। अच्छा अक्षत, आपके स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा था आपकी पढ़ाई को लेकर? ठीक था, मैडम ज़्यादा ध्यान देती थी जो टॉपर्स थे उन पर भी, खासकर जो पीछे रहते थे उन्हें ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि इनसे सीखो, इनसे कुछ करो, और घर का भी एटमॉस्फेयर और स्कूल का भी सही था। बिल्कुल। अच्छा, तो आपने सेल्फ स्टडी किया या कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी हेल्प ली है? वर्मा क्लासेस, उसका बहुत अच्छा, मतलब थोड़ा उससे ही मेरे जो परसेंट बने उससे ही बने मैं कहना चाहूँगा। okay, मतलब वर्मा क्लासेस ही सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल रहे हैं आपके लिए? ठीक है, और हेमंत सर और वैशाली मैम, ये सब इनका सपोर्ट बहुत था मेरे पास। अच्छा ठीक है, तो कैसा एटमॉस्फेयर था वहाँ? आपको ऐसे क्या टिप्स दी जाती थी आपकी पढ़ाई को बहुत बेटर करने के लिए? वहाँ पे वीकली टेस्ट होते थे, उसमें वर्मा सर का कहना था कि उन वीकली टेस्ट को ऐसा समझो जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम है, और उसे बस करते जाओ करते जाओ, तो अपने आप आपके परसेंट बोर्ड में जाके अच्छे बनेंगे, 90 अबव बनेंगे। okay. अच्छा, जैसे कि आपकी फैमिली में सिर्फ आप और मम्मी डैडी हैं ना आपके, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेल्फ स्टडी के लिए भी मिल पाता होगा, तो आपने कितना आप एक दिन में घर पर सेल्फ स्टडी कर पाते थे? मैं 3-4 आवर्स सेल्फ स्टडी करता था। okay.
और रात में जैसे जब बोर्ड एग्ज़ाम थी उसके पहले मैंने रात में पढ़ाई करी और बोर्ड एग्ज़ाम के समय मैंने रात में पढ़ाई नहीं करी और केवल 2 to 3 hours केवल उसमें पढ़ता था और 10% गेन किया। अच्छा, मतलब कोई और स्टूडेंट्स अगर आपसे टिप्स लेते हैं स्टडी के लिए तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उन्हें? उन्हें यही टिप्स दूंगा कि अपना अच्छी से अच्छी मेहनत करें और जो गेनिंग सब्जेक्ट रहते हैं मैथ्स हुआ, साइंस हुआ, इंग्लिश हुआ, इन पर ज़्यादा ध्यान दें और इन्हें स्कोर कर और दूसरे जो सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें अपन पीछे रह जाते हैं 90 या 95 आते हैं उन्हें हम और आगे कर सकते हैं इन सब्जेक्ट में मार्क्स लाकर। ओके, अच्छा तो अब आपने 10th तो क्लियर कर लिया है अक्षत, है ना, तो इन फ्यूचर अब आगे आपका एम क्या है? मेरा IIT JEE को क्रॉस करने का एम है। और उसके लिए आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी? हाँ, अभी थोड़ी मैं सेल्फ स्टडी करूँगा, इसके बाद अभी 12th का परसेंटेज अच्छे करूँगा, इसके बाद उसके बारे में सोचूंगा। Okay. अच्छा, आपका फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट और मोटिवेट किसने कराया आपको? मॉम डैड दोनों ने। हेलो मैम। हाय मैम, आप बताइए आपने कैसे अक्षत की हेल्प की उनकी स्टडी में? अक्षत जैसे कभी पढ़ाई करके थोड़ा सा खेल में लग जाता तो थोड़ा हट जाता था कि मेरे को और पढ़ना है, तो मैंने अगर बेटा ठीक है खेल लिया लेकिन अब पढ़ाई में, तो बहुत सपोर्ट दिया उसने भी, मतलब कहना सुना कि नहीं 10th है इस बार तो मम्मा का पापा का दोनों का कहना सुना। मतलब क्या करती थी वो एंटरटेनमेंट के लिए बीच में जिससे आपको उन्हें रोकना पड़ता था? मोबाइल गेम्स और बाहर क्रिकेट, फ्रेंड्स का भी आ जाते थे तो मम्मा सिर्फ आधे घंटे खेलूँगा। तो थोड़ा सा बच्चे क्या खेल में जब जाते हैं तो ध्यान नहीं रहता है कि आधी घंटा हुआ या एक घंटा हुआ, तो फिर थोड़ा सा बोलना पड़ता था, बाकी समझ जाता था कि हाँ काफ़ी टाइम होगा खेलते खेलते तो आ जाता था। अब जैसे कि अंकल तो जॉब करते हैं तो वो ऑल टाइम भारी रहते हैं ना घर से, तो दैट टाइम आपने कैसे अक्षत के साथ वो टाइम भी मतलब उनकी भी भूमिका निभाई है? उसके लिए भी बहुत जैसे पढ़ाई करता था तो बराबर उस पर ध्यान दे रही हूँ कि पढ़ रहा है या कोई बात वगैरह, या मोबाइल से कभी कभी लेकर जाता था कि हेल्प के लिए चाहिए मम्मी पढ़ाई के लिए, तो बार बार जाकर देखना, खाने पीने का बोलना टाइम से वहीं पर ले जाकर देना, बाकी टाइम टू टाइम सारी चीज़ें आगे लेकर उसको करवाई थी। अच्छा, तो आप जैसे कि अक्षत तो IIT और JEE में है ना उनका एम है करने का, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? आप जो उसको जो अच्छा लगता हो, हम हम सपोर्ट में उसके, बाकी हम अपनी तरफ से उसको फोर्स नहीं करेंगे कि आप ये नहीं ये करो। ठीक है, तो CG Tutorial Presents स्कूल टॉपर्स अवार्ड में अभी हमने आपको मिलवाया है पद्मजा स्कूल के 10th टॉपर अक्षत जैन से। ऐसे ही किसी होनहार और प्रतिभावान स्कूल टॉपर से मिलवाने का हमारा ये प्रयास निरंतर जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। हेलो सुनीता, कैसे हो आप? आई एम फाइन। ओके सुनीता, हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सुनीता सेन है, मैं संत विवेकानंद कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरे परसेंटेज 84.5 बने हैं। अच्छा सुनीता, आपको अपने स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, टीचर ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है, एक्स्ट्रा क्लास भी दी हमें, हमने 6th ईयर के पेपर सॉल्व किए और नोट्स बनाए कंप्लीट करे और हमने अपनी सेल्फ स्टडी की। सुनीता, आप अपनी फैमिली के बारे में हमें बताइए। मेरी फैमिली में 6 मेंबर है, मेरे पिताजी वर्कर है और मेरी मम्मी काम करने जाती है और मैं घर का भी काम करती हूँ और अपनी सेल्फ स्टडी भी की है मैंने। अच्छा, एक बात बताइए सुनीता, अगर पिताजी बाहर काम करते हैं, मम्मा भी जाती है काम करने, तब आप कैसे मैनेज करते होंगे, क्योंकि आपको घर के भी काम करना पड़ते होंगे, तब आप पढ़ाई कैसे करते थे? मैं नाइट में रात को करती थी जी, 10-11 बजे 12 बजे तक। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन कौन है, आपको किससे प्रेरणा मिली कि नहीं मुझे टॉप करना है, मुझे अच्छे मार्क्स अचीव करना है? ललित सर और पांचल सर हैं और मम्मी पापा ने भी बहुत हेल्प की है। अच्छा, आपको 11th में कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है? मैथ्स। थैंक यू सुनीता। तो ये थे हमारे आज के 5 स्कूल टॉपर्स। ये केवल स्कूल टॉपर्स नहीं है, ये प्रेरक हैं उन विद्यार्थियों के जो इस वर्ष कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं में अध्ययन कर रहे हैं।
और स्कूल टॉपर्स का हमारा यह कार्यक्रम इन सभी विद्यार्थियों के लिए है ताकि वे भी इन स्कूल टॉपर्स की भांति अभी से अपना शेड्यूल बनाकर अध्ययन कर पाएं। स्कूल टॉपर्स के कल के एपिसोड में हम फिर देवास के ऐसे ही स्कूल टॉपर्स से आपको मिलवाएंगे। नमस्कार।